अपने पति के साथ इंदौर में परिजनों के घर से लौट रहे दंपति की गाड़ी को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला पिछले 3 से 4 दिनों से एक निजी अस्पताल में कोमा की हालत में भर्ती थी, जहां घायल महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला। देवास जिले की रहने वाली नीतू गोयल अपने पति राजेश के साथ इंदौर के उषा नगर में अपने परिजनों के घर मिलने आई थी, जहां पर मृतका नीतू अपने पति राजेश के साथ देर रात अपने परिजनों के घर से मिलकर निकली थी और अग्रसेन चौराहे पर पहुंचते ही पीछे से एक तेज रफ्तार कार ने पति पत्नी की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जहां पर एक राहगीर ने मदद करते हुए दोनों पति पत्नी को एम्बा अस्पताल भर्ती करवाया, लेकिन उसी दिन से नीतू कोमा की हालत में गंभीर चोट होने के कारण थी, जहां आज नीतू के उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नीतू गोयल। अच्छा, कहां के रहने वाले हैं आप? देवास। कहां थे इंदौर, कहां जा रहे थे आप? उषा नगर से हम छावनी की तरफ आ रहे थे, तो शंकर बाग में 3-1 टोल डाल के सामने कोई पीछे से कार वाला या कोई और बंदे बाइक वाला मार गया, हम दो ही बेहोश हो गए थे। उसके बाद मुझे मुआई आके मुझे होश आया और ये जब से ही कोमा में है, उसके बाद इनका कुछ इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, काय पे थे आप? हम टू व्हीलर एक्टिवा पे थे। तो क्या मिलने आए थे, कितने थे, कहाँ आए थे? हाँ, हम परिवार में आए थे। परिवार में यहाँ पे हम उषा नगर में हम किसी का कार्यक्रम था, वहाँ से खाना खा के निकले थे। छावनी में हमारी कार खड़ी थी, कार को उठाने के लिए हम बाइक यहाँ तक क्या है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? देवास।